कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा बनी हुई है। अधिकारियों का उत्पीड़न लगातार जो है कार्यकर्ताओं को जो है एकदम कर दिया है ले आकर। जैसे हम लोग पहले चिल्लाते थे 2014 में, अब की बार मोदी सरकार 17 में, अब की बार जो है केशव जी नेतृत्व में केशव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उस पर लाए हम लोग। फिर 22 में कि फिर लाए कि एक बार फिर मोदी सरकार, तो 24 में ये कार्यकर्ताओं को नहीं दिखा हम लोगों को। अब मिला क्या, थाने जाओ तो दरोगा गाली दे रहा है, DM के पास जाओ तो मिलता नहीं है, पार्टी का विधायक सांसद सुन नहीं रहा है। किसी स्थिति अगर यही स्थिति रह जाएगी तो फिर मुझे ही लग रहा है जय श्री राम हम लोग करना पड़ेगा। माहौल देख कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा बनी हुई है। अधिकारियों का उत्पीड़न लगातार जो है कार्यकर्ताओं को जो है एकदम कर दिया है ले आकर। जैसे हम लोग पहले चिल्लाते थे 2014 में, अब की बार मोदी सरकार 17 में, अब की बार जो है केशव जी नेतृत्व में केशव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उस पर लाए हम लोग। फिर 22 में कि फिर लाए कि एक बार फिर मोदी सरकार, तो 24 में ये कार्यकर्ताओं को नहीं दिखा हम लोगों को। कार्यकर्ता ये कहता फिरता रह गया कि मुझे मिला क्या, थाने जाओ तो दरोगा गाली दे रहा है, DM के पास जाओ तो मिलता नहीं है, पार्टी का विधायक सांसद सुन नहीं रहा है। ये हताशा यही थी, कोई कारण नहीं, सरकार की योजना अच्छी चल रही है और मेन सबसे उद्देश्य यही था। तो 27 में क्या होने वाला है? अब 27 में कार्यकर्ता यही कर रहा है, अगर कार्यकर्ता की मन की बात सुनना चाहिए संगठन को जो हमारा रूल है, ये नहीं हो रहा है। यही मेन जो है, हम लोग तो बूथ पे काम करने वाले लोग हैं, बूथ से आए हैं, बूथ से भी काम करें, हमारे संगठन भी बूथ पे जोर देता काम होने, मगर कार्यकर्ता वही हर कोई बोल रहा है कि कार्यकर्ता नाराज है, उपेक्षा की जा रही, कोई नहीं बोल रहा है संगठन में, जानता हर कोई है, चाहे प्रदेश सरकार के मंत्री हों चाहे संगठन के लोग, हर कोई जान रहे हैं, मगर पता नहीं कि कान में तेल डाल के बैठे हैं। तो 27 में आपको क्या लग रहा है आज की स्थिति देख कर? आज की स्थिति अगर यही स्थिति रह जाएगी तो फिर मुझे ही लग रहा है जय श्री राम हम लोग करना पड़ेगा। इतनी हालत खराब है जमीन पर, जब कोई सुनिए, अगर आप मेरे घर के गार्जियन हो, आप मेरी पीड़ा नहीं सुनोगे, मुझे नहीं करोगे, तो फिर हम किससे कहने जाएंगे? ये स्थिति है। अधिकारी एकदम, आप जैसे अभी हम लोग अधिकारी के पास जाते हैं, जैसे उनको लगता है हम लोग कर्जा मांगने आए हैं कि कर्जा लेने आ गए ऐसे, तो वही पे जनपद जो गुंडे माफिया या हिस्ट्री सीटर हैं ऐसे ऐसे हमारे इलाहाबाद में, जाके थाने पे अधिकारी को बैठ कर आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, उनका काम होता है। तो लग रहा है कि BJP की सरकार है या नहीं? आप जैसे अभी कृपा शंकर ने कहा, इससे अच्छा तो हम लोग पहले लगता था, विपक्ष में ही लगता था कि हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, आज तो लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, ये लगता है कभी कभी। इस कार्य समिति की बैठक में आए तो क्या होगा? इतने पार्टी को बुलाया गया, पार्टी तय करे क्या करेंगे, अब एजेंडा होगा, किस एजेंडे पे काम करना होगा क्या नहीं, और इसमें कार्यकर्ता का एजेंडा रखा गया है कि नहीं रखा वो भी देखा जाएगा। आप लोग अपनी बात रखेंगे क्या अंदर? क्योंकि एक फोरम है, अगर पूछा जाएगा, राय लिया जाए तो दिया जाएगा, अगर नहीं पूछा जाएगा तो जय श्री राम करते रहेंगे और क्या।